मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है, अगर मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है कि मुझे सभी का परसेंटेज दिया होगा और मुझे उसका इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलेक्युलर फॉर्मूला ढूंढना है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो सपोज मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो इन कंपैरिजन ऑफ 100 मास ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया, फिर कार्बन का लिखा, फिर क्लोरीन का लिखा, फिर सेकंड नंबर में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मास बाय मोलार मास, मास बाय मोलार मास। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर दिया, कार्बन को कार्बन से डिवाइड कर दिया, क्लोरीन को क्लोरीन से डिवाइड कर दिया। तो इतना पता चला बेटा मोल तक? यस सर। अभी कोई मुझे बताएगा कि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला में जो नंबर होता है वो तो सिंपल होल नंबर होता है? यस सर। यस सर। तो ये जो मेरे मोल है उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे मैं सबको डिवाइड कर दूं? हाँ सर। सिंपल होल नंबर मुझे मिल जाएगा। सिंपल होल नंबर कैसे, जैसे कि इन H2O मैंने लिखा था 1632, अरे क्या लिखा था, 2:16, तो फिर मैं उसका 1:8 कैसे लिख सकता था, स्मॉलेस्ट नंबर से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ भी क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना है। यस सर। तो yes, पहले sir. इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों तो सबका क्लियर ना बेटा? यस सर। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर। सबने लिया? अब स्टेप थर्ड में मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। तो यहां से मुझे उसका सिंपल रेशियो मिल जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहां पे मेरा कार्बन का कितना आएगा, 4.02 डिवाइड बाय 2.02, तो ये मेरा हो गया 1। चलो हाइड्रोजन का कितना आएगा, नहीं कार्बन का तो 2.02 है ना, हाइड्रोजन का 4.04 डिवाइड बाय 2.02, तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना है, 2.02 डिवाइड बाय 2.02, 1। क्लोरीन सर, क्लोरीन, क्लोरीन, हाँ ये क्लोरीन में गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन इज कितना आएगा, 1:1। यस सर। बोलो यहाँ तक सबको पता चला? यस सर। सर 100% ना? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर 4.07 है ना हाइड्रोजन? नहीं 4.04 तो बोले बेटा, 4.07 कहाँ से बोले, 27 को मैंने डिवाइड, 24.27 को डिवाइड किया 12.01 से, तो 12 2 24, तो 2.2 समथिंग ही आएगा ना, देखो तो। यस सर। हाँ और हाइड्रोजन का आप डिवाइड करते हो 1.008 से, तो 4.07 डिवाइड बाय 1.008, तो ये तो मेरे मोल आए ना। यस सर। चला पता बेटा? यस। चलो सिंपल वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना भाई? हाँ बेटा, हाँ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं।
चलो अब मुझे क्या करना है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। चलो कैसे मैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं उसका लिखता हूं फॉर्मूला। चलो सी के कितने हैं, वन? यस सर। तो अकेला सी ही आएगा। हाइड्रोजन के कितने हैं, टू? एच टू। तो एच टू, और सी एल का नंबर कितना है, वन? तो सी एल। चलो यहां तक पता चला। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल में ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला तक ही कैलकुलेशन करना हो, बराबर? तो यहाँ तक सबका क्लियर? बट मुझे तो स्टेप फाइव भी करना पड़ेगा, मुझे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ में मोलेक्युलर फॉर्मूला भी चाहिए ना। यस सर। अब मुझे क्या करना है, मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो वो कैसे आएगा? चलो तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा है, CH2Cl? CH2Cl, CH2Cl, ओके, CH2Cl। तो इससे मुझे फॉर्मूला मास मिलेगा, फॉर्मूला से फॉर्मूला मास मिलेगा। सर मतलब वो C12 H2। जैसे कि मेरे पास एटम होता है तो मुझे एटॉमिक मास मिलता है, मोलेक्यूल होता है तो मोलेक्यूलर मास मिलता है। तो अगर मेरे पास फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला मास मिल जाएगा। यस सर। यस सर। चलो क्या आएगा, C+2H+2H+ सी का 12.01, हाइड्रोजन का 1.001, क्लोरीन का 35.5। बोलो टोटल कितना आता है फॉर्मूला मास, 49.48। ये मेरा फॉर्मूला मास हो गया। यस सर। तो मेरा फॉर्मूला मास है, उसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा ग्राम बाय फॉर्मूला मास, क्योंकि ये मेरा जो आया वो आएगा तो ग्राम यूनिट में ही ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक सबको पता चला, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन। लिया बेटा सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फोर मार्क्स का एग्जांपल है। हाँ, और आप किसी भी स्कूल का पेपर देखोगे ना, ये चैप्टर में सही है एग्जांपल होगा ही। चलो अभी मुझे उन लोगों ने कुछ दिया है, देखो मोलेक्युलर मास जैसा कुछ मुझे एग्जांपल में दे दिया है। हाँ सर, 98.96 ग्राम। 98.96 ग्राम ऐसा दिया है ना। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं नंबर निकाल लेता हूँ, मोलेक्युलर मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। तो अब आप सोचोगे कि सर ये नंबर कैसे निकाल, तो नंबर ऐसे निकालते हैं। देखो जैसे कि हम वो नहीं मुकते कि 1 रुपीज में इतना आता है तो 2 रुपीज में कितना आता है, ऐसा हम फॉर्मूला रखते हैं, याद है आपको? Yes, sir. तो मैंने जो एग्जांपल कैलकुलेट किया उसमें मुझे फॉर्मूला इतना मिला। अब मुझे तो मोलेक्यूल ढूंढना है, तो जो मेरा फॉर्मूला होगा वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, या तो 4 टाइम होगा, वो मुझे कहां से पता चलेगा? तो मोलेक्यूलर मास को मैं डिवाइड कर दूंगा फॉर्मूला मास से, तो यहां मेरा एग्जैक्टली 2 आएगा। यस सर। तो अब मेरा मोलेक्युलर फॉर्मूला का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू क्या लिखोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो यहां पे n का मतलब 2, ये मेरा क्या था, CH2Cl। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H4Cl2। तो ये मेरा हो गया आंसर।
यस सर। चला पता? यस सर। 100% सबको पता चला? यस सर। यस सर। तो इसमें मुझे कौन से 5 स्टेप करने हैं, कोई मुझे बताएगा? फर्स्ट नंबर में कन्वर्ट इनटू ग्राम, सेकंड नंबर में कन्वर्ट इनटू मोल, फिर थर्ड नंबर में डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, वहां से मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। फिर अगर मुझे मोलेक्युलर फॉर्मूला चाहिए तो नंबर इक्वल टू मोलेक्युलर मास बाय फॉर्मूला मास। क्लियर? यस सर। सर मैं ऐसा पूछा हो कि राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो सर वो एम्पिरिकल फॉर्मूला था। तो मुझे CH2Cl के आगे जाना ही नहीं है। अभी मैं आपको ऐसा एग्जांपल लिखवाता हूं जिसमें सिर्फ मुझे मोलेक्युलर लाना है। चलो तो ये सबको पता चल गया बेटा? यस सर। यस सर। तो कैलकुलेशन इसका लिख दो पहले। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कर दिया बेटा है? यस यस सर। अब मैं इसमें और 3-4 एग्जांपल हम ऐसे करते हैं जिससे मुझे पता चले कि भाई मेथड क्या है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स्ट्रा एग्जांपल जिसको देता हूँ सेकंड नंबर। तो सपोज मेरे पास कार्बन का है 22.02%, हाइड्रोजन का मेरे पास है 4.58%, ब्रोमीन का मेरे पास है 73.39%। ये मुझे दे दिया है और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलो तो मुझे सिर्फ कौन सा फॉर्मूला ढूंढना है? इंपेरिकल। यस सर। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना है? चलो अब आप ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कन्वर्ट इनटू ग्राम। कन्वर्ट इनटू ग्राम। चलो तो फर्स्ट नंबर में मैं यहां लिखूंगा सपोज बोला द मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। कंपाउंड इज 100 ग्राम। मुझे ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंपाउंड को 100 लिया, उसी लिए मैंने परसेंटेज को रिमूव कर दिया। yes, और फिर मेरा मास ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा बेटा? 22.02 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? 4.58 ग्राम। चलो मास ऑफ ऑक्सीजन ब्रोमीन 73.39 ग्राम। चलो अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, कोई बताएगा? कन्वर्ट इनटू मोल्स। कन्वर्ट इनटू मोल्स। चलो मोल्स के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलर मास। अदरवाइज मोलर मास नहीं होगा तो क्या लेंगे? एटॉमिक मास। अब मुझे वो नहीं पता है कि ब्रोमीन का कितना होता है, जब ऐसा एग्जांपल आएगा तो आपको ब्रैकेट में दे देंगे उसका एटॉमिक मास। चलो तो पहले मुझे कार्बन का करना है, तो कार्बन का कितना है? 22.02 डिवाइड बाय 12.011। चलो आप कैलकुलेशन करते जाओ तो पता चले आंसर कितना आता है। 1.83। चलो सेकंड नंबर में कितने मोल आते हैं बेटा? 4.54 4.5। और थर्ड नंबर में देखो 73.39 डिवाइड बाय कितना आएगा ब्रोमीन का? 180 से डिवाइड करना है। 80 गलती हो गई, 80.00। 0.917 मतलब सर 0.9 917 तो 92 कर दूं? यस सर।
सो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0.92। यस सर। तो स्टेप थ्री में क्या करोगे सर? 0.92 को डिवाइड करेंगे। 0.92 को सबसे डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ऑफ मोल, चलो सबसे छोटा मेरा 0.92 था, तो 1.83 को मैंने डिवाइड किया 0.92 से, फिर हाइड्रोजन में 4.54 को डिवाइड किया 92 से, और ब्रोमीन में मैंने 92 को डिवाइड किया 92 से। चलो ये मेरा बता गया। कार्बन का 1.98 है। 1.98 तो अप्रोक्स कितना हो गया? 2, क्योंकि 1.98 तो मैं नहीं लिख सकता ना। यस सर। बाद में सर वो हाइड्रोजन का 4.93। तो 4.9 मतलब ये भी 5 हो गया। यस सर। और उसका तो 1। यस सर। तो रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन इज क्या है? 5:1। तो आपको ही पता चल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। C2H5Br। चला ना पता? बट yes, sir. बाद yes, में मुझे स्टेप को 4 मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो तो स्टेप 4 में हमें क्या लिखना है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस सर। यस सर। चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या आ गया? C2H5Br। यस सर। अब उससे आगे मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। बोलो क्यों नहीं करना है? स्टेप 4 राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स ऑफ राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। चलो कितना आता है? C2H5Br। बोलो सभी को पता चला? यस सर। यस। 100%। यस सर। यस सर। और एक एग्जांपल मैं कैलकुलेट करवाता हूँ जिसमें मोलेक्युलर लाना है, और उसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो आपको मुझे बताना है कि आंसर कैसे आएगा। okay. और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, क्योंकि ऐसा एग्जांपल आने वाला ही है, और ऐसा नहीं है कि बुक का ही आएगा, ऐसे कुछ भी लिख के मैं आपको बोलूंगा कि इसका कैलकुलेशन बताओ। चलो क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। चलो उसके बाद में ये एग्जांपल, कार्बन का मैं आपको देता हूं 40%, हाइड्रोजन का देता हूं 6.70%, और ऑक्सीजन का मैं आपको देता हूं 53.33%। फिर उसी में मैं कंटिन्यू लिखता हूं मोलर मास ऑफ कंपाउंड। इस 180 तो राइट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। चलो तो बोलो, चलो आपको पता ही है बेटा मुझे कैसे कन्वर्ट इनटू ग्राम। कन्वर्ट इनटू ग्राम। सपोज द मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 ग्राम। तो कन्वर्ट इनटू ग्राम हमने किया क्या आपको पता है? बोला अगर मैं एक एग्जांपल नहीं, अगर मैं एक एग्जांपल करके छोड़ देता ना तो आपको याद नहीं रहता। हम साइंस वाले करते क्या मालूम है, उसका प्रैक्टिस ही उतना करते हैं कि आपको पता ही चल जाएगा कि ये एग्जांपल आए तो मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है। समझे? यस सर। एक एग्जांपल को 10 बार नहीं करना है, 10 अलग अलग एग्जांपल को एक एक बार करना है।
जैसा कि मैं ऐसा बोलूं कि ये एग्जांपल एग्जाम में आने वाला है, आप उसको 10 टाइम लिख दो, वो गलत बात है। बट मैं उल्टा करूंगा, ऐसे 10 एग्जांपल का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो होगा क्या, आपको ऐसा ही पता चल जाएगा कि मुझे ऐसा कैलकुलेशन करना है। चलो फर्स्ट नंबर में मुझे क्या लिखना था बेटा, यहाँ सपोज मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो मेरा मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 40 ग्राम। यस सर। यस सर। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6.67 ग्राम। चलो उसके बाद में आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, 53.33 ग्राम। चलो स्टेप बाय स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे ही लिखने से पहले मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये आएगा। चलो सभी को मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे मुझे ऊपर फॉर्मूला लिखना है, मोल का मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, या तो मैं क्या लिखूंगा एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के लिए नहीं कर रहे, एलिमेंट के लिए कर रहे, तो एटॉमिक मास ही आएगा। कार्बन का 40.0 डिवाइड बाय 12.0 यहाँ कितना है बेटा, 3.33, ये मेरा मूल ऑफ कार्बन आया। चलो यहाँ 6.61, चलो यहाँ से ही मुझे पता चल जाता है कि छोटे वाला 33 होगा, है ना सर। ऑक्सीजन भी 3.33 आया है, 53 डिवाइड बाय 16.00, तो 3.33। यस सर। चलो यहाँ से मुझे पता चल गया, अगर मुझे सिंपल रेशियो चाहिए तो स्मॉलेस्ट से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो स्टेप 3 में मुझे क्या करना है बेटा, डिवाइड ईच मोल विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। चलो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये मेरा हो गया वन। हाइड्रोजन का 6.61 डिवाइड बाय 3.33, तो ये भी 1.98, तो ये भी मेरा अप्रोक्सी तो 2 ही हो गया। यस सर। और लास्ट में ऑक्सीजन 3.33 डिवाइड बाय 3.33 वन, तो रेशियो कितना आया मेरा बोलो, 1:1। चलो तो यहाँ से इम्पिरिकल फॉर्मूला तो मेरा आ ही जाएगा, CH2O। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है ना बेटा, 4 मार्क्स का एग्जांपल। यस सर। यस सर। साइंस का मतलब सिर्फ वो होता है बेटा, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना इजी हो जाएगा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। चलो अभी मुझे स्टेप 4 और स्टेप 5 भी करना पड़ेगा इसमें, तो बोलो स्टेप 4 में मुझे क्या करना है, राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। हाँ, वो फिर आगे स्टेप 5 में जाना पड़ेगा ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो ये तो सबको पता चल गया, अभी आप बोले CH2O। हाँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। चलो यहाँ तक सबका खत्म। यस सर। यस सर। अब इससे मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मास ढूंढ लेना है। स्टेप 5 में मुझे क्या करना है, राइट डाउन मोलेक्युलर फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला, CH2O, तो फॉर्मूला मास क्या मिलेगा बोलो, 30.027।
सी प्लस टू एच प्लस ऑक्सीजन, और सी का 12.01, हाइड्रोजन का 1.008, ऑक्सीजन का 16.00, बोलो कितना आता है? 30.027. तो 30.02 का मतलब 30 ही ले ले। Yes, तो अभी मुझे मोलेक्युलर मास तो दिया ही है ना? Yes, sir. 6 आएगा। 6 आएगा सर। तो एन का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास या तो फॉर्मूला मास is equal to 180 by 30 is equal to 6. So 180 divided by 30, तो ये मेरा कितना होगा? 6. तो अब मुझे मोलेक्युलर फॉर्मूला चाहिए। C6H12O6. आपको पता ही है ना? Yes, हमने ग्लूकोज का 180 लाया था, याद है? Yes, sir. तो 6 into CH2O, तो ये मेरा हो गया C6H12O6, ग्लूकोज आ गया। Yes, sir. सर, वो कैमरा थ्रू रहा है। हाँ, बोलो अभी आ गया। Yes, sir. वैसे तो आप बिना देखे लिख दोगे, तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं बेटा? एग्जैक्टली पता चल गया सबको? Yes, sir. 100%? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको पता चल गया तो इसके बाद वाला एग्जांपल आपको करना पड़ेगा। लिया स्क्रीनशॉट? Yes. चलो ये 4 नंबर वाला एग्जांपल आप स्टार्ट करो, सबका आंसर आना चाहिए। मुझे कार्बन का परसेंटेज दिया है 63.15, हाइड्रोजन का दिया है 10.52, नाइट्रोजन का दिया है 12.28, ऑक्सीजन का मुझे दिया 14.04। तो यहां से मुझे क्या करना है बोला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर, मोलर मास नहीं, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला लाना है, सिर्फ एम्पिरिकल। चलो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के लिए हमने 14 लिया था, पता है ना? यस सर। यस सर। चलो आप आंसर लाओ फटाफट। चलो एक ट्राई करो तो मुझे भी पता चले ना बेटा कि फॉर्मूला आपका हो गया। सर, आप अपना लिखते रहना बेटा। सब लोग कर रहे हैं ना बेटा कैलकुलेशन? यस सर। सर डन।
क्या आप बात कर रहे हो, आंसर आ गया? यस सर। बात फास्ट कर रहे हो बेटा, कैलकुलेटर हो तो मस्त हो जाए ना सटा सर। यस सर। वैसे तो हम ये पीछे वाले नंबर निकाल देना तो इजी हो जाता है, जैसे 1.008 की जगह पे सिर्फ 1 ले लेना तो इजी हो जाएगा। क्या हटा क्या है बेटा? C6H12NO। वेरी नाइस, C6H12NO वही आता है, वही वही आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वही आ जाता है बराबर, C6H12NO। चलो सब लोग कर दो बेटा, फिर हम यहाँ पे करते हैं। सर डन, सर डन, सबका आना चाहिए बेटा। बोलो तीन लोगों की आवाज मुझे अभी तक आई बेटा। यस सर डन। चार पांच छह लोगों की आवाज आई, चलो डन। 100%। यस सर, यस सर, यस सर। चलो बाकी सब बेटा, चलो बहुत सारे लोग हैं इसमें तो, अभी तक कुछ कुछ लोग ही बोले कि सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। सर डन, सर डन। चलो आप लोगों का आया बेटा, सर C6H10 आ रहा है, H12 आएगा बेटा, H12 आ रहा है। देखो शायद छोटे से नंबर से डिवाइड करने की जगह पे आपने कुछ गलत कर दिया हो, फिर से एक बार देख लो यहाँ पे गलती ना हुई हो। यहाँ से जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा ना वो ऑक्सीजन का या तो नाइट्रोजन का होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा। यस सर। स्मॉलेस्ट कितना आता है? 0.87। हाँ तो उसी से आपको डिवाइड करना है, तो 10 को आप 0.87 से डिवाइड करोगे मतलब 1 से लेस नंबर है, तो मेरा 12 ही आएगा ना, 12 9 0 8। हाँ भाई, यस सर, बेटा 12 ही आएगा सर, वहां पे वो एक गलती हो गई। हाँ अब देखो होगा क्या मालूम है बेटा, ये 4 मार्क्स का एग्जांपल, अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी और फॉर्मूला गलत हो गया तो मेरा तो पूरा गलत ना। चलो बेटा ये फर्स्ट स्टेप तो सबको पता है, सपोज मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो सभी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट मोल्स, तो यहाँ पे कितने आते हैं बेटा, 63 डिवाइड बाय 12 5.25, ये मेरे 5.25 मोल्स आए। चलो सेकंड नंबर में कितने आते हैं, 10.43 43 मोल्स। चलो उसके बाद में बेटा 0.87 मोल्स, 87 उसके बाद में भी 0.87, तो उसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 87 ही है। यस सर। अब सभी को मैं 87 से डिवाइड कर देता हूँ, 0.87 10.43 डिवाइड बाय 0.87, 0.87 डिवाइड बाय 0.87, 87 डिवाइड बाय 87, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 1 हो गया। चलो कितना आता है, 6.03 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 6। हां 6.0 का मतलब 6 ही हो गया, यहां पे 11.9 एप्रोक्सीमेटली 12, तो ये मेरा अप्रोक्स 12 हो गया, क्योंकि मुझे राउंड फिगर ही लेना है ना, फॉर्मूला में तो मुझे राउंड फिगर ही लेना पड़ेगा बराबर। तो अभी मेरा सिंपल होल नंबर का रेशियो क्या आ गया, अगर किसी ने नहीं किया है बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखने के टाइम पे मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सर वो 0.87 का 0.9 पूरा अप्रोक्स ले सकते हैं,
नहीं वो गलती करते हो बेटा, यहाँ पे मुझे राउंड नहीं करना है क्योंकि इसको तो मुझे आगे ले जाना है ना डिवाइड में, फाइनल आंसर में मैं राउंड अप कर सकता हूँ, समझ रहे हो? अगर वो वैल्यू मुझे आगे पुट करना है ना, आप सभी जगह पे आप राउंड अप करते जाओगे तो लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। राउंड अप कहाँ करना है? जहां फाइनल आंसर आता है ना वहां पे मैं राउंड अप कर सकता हूँ। चलो यहाँ तक सबका आया था ना बेटा? यस। चलो अब इसके बाद में मुझे लिखना था रेशियो, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो रेशियो मेरा क्या आया? बोलो रेशियो क्या आया था? 6:12:1:1 एक मिनट, हाँ तो मेरा रेशियो क्या आया बेटा? 6:12:1:1 मिनट। हाँ 6:12:1:1 तो उसके बाद में मुझे स्टेप 5 में क्या करना था? तो क्या आ जाएगा बोलो? C6H12NO. चलो यहाँ तक सबका आ गया? Yes, sir. अगर मैंने इसी एग्जाम्पल में आपको ऐसा दिया, ये आपको ज्यादा करना है एक स्टेप, कि मोलेक्युलर मास ऑफ अ कंपाउंड, सपोज मैंने ले लिया 114, चलो मोलेक्युलर मास अगर 14 है तो इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या आ सकता है? करो आप आगे चलो। इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने आपको मोलर मास दे दिया होता तो वैसे तो मेरा आंसर तो आ गया, बट अगर मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे ले गया बोलो यही का यही आता है। यस सर यही का यही, सबका यही का यही आता है। यस सर n=1 सबका टोटल 114 ही हुआ ना? यस सर। बोलो बेटा कुछ कुछ लोगों का अभी बाकी है, क्या होता है? यस सर n=1 आया सभी का? यस सर आया। देखो ये 12.01, ये 1.008, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये मेरा कितना आता है? 114.103.082 नहीं सर 114.162 आता है। पूरा 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 कितना आता है? 114.162 ऐसा आया? यस सर। यस सर। अब मेरा एन का मतलब क्या होता है? मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। तो 114 डिवाइड बाय 114.162 तो अप्रोक्सीमेटली तो 1 ही आएगा ना? Yes, sir. तो मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n into C6H12NO. NO.
तो मतलब वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज ही नहीं होगा ना, एज इट इज राइट। यस सर, एज इट इज राइट। बोला सबका आ गया? यस सर। यस सर। सी सिक्स एट ट्वेल्व है नो, क्लियर ना? यस सर। यस सर। तो ऐसा अगर कोई भी एग्जांपल आ जाए, बोलो आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो आपने कैलकुलेशन किया हुआ ही है बट ले लो। लिया बेटा? यस सर। चलो मैंने आपको सुक्रोज का मोलेक्युलर मास बताया था, सुक्रोज का कितना था? थ्री फोर्टी टू पॉइंट कितना था देखो तो, थ्री जीरो एट सर, थ्री फोर्टी टू पॉइंट थ्री थ्री जीरो एट। ओके ओके। चलो अब एक 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 जो मैं आपको कैलकुलेशन बोलू ना वो मुझे डिवाइड करके देना आप, बराबर 12.0 11 इंटू 12 कितना आता है? 144.132। अब इसको 342 से डिवाइड करो, जीरो पॉइंट फोर टू फोर टू फोर टू के पीछे कुछ वन, उसके पीछे है जीरो फाइव। ओके तो वन ही लिखते हैं। चलो अब ट्वेल्व 22 इंटू 1.008 करो, 22.176 डिवाइड बाय 342.308 करो, 0.064 6478 6478 मतलब 648 कर देते हैं। चलो अब ऑक्सीजन का 16 इंटू 11 करो, 176 डिवाइड बाय 342.308 करो, 0.51 के पीछे क्या आता है? 41 41। चलो तो मैंने एक एग्जांपल रेडी कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर 0.51। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मैंने परसेंटेज निकाल लिया। राइट द इंपीरिकल फॉर्मूला, एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला, वेरी गुड बेटा, कंपाउंड मोलेक्युलर मास ऑफ कंपाउंड इज 342.306 ग्राम। चलो करो ये एग्जांपल कैलकुलेट। मेरे आंसर में सुक्रोज आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर में? सुक्रोज। अभी मत करना, ऐसा करना होमवर्क में कर देना, तो कर दोगे ना बेटा ऐसा? यस सर। तो मतलब आप अभी तक आप जो पढ़ रहे हो शायद है ना, टेंथ तक बहुत सारे लोगों को क्या होता था मालूम है, एग्जांपल आए ना एग्जांपल, तो ऐसे सोचे कि साला मुझे एग्जांपल आते ही नहीं है, मुझे क्या करना है मालूम है बेटा? अगर मुझे फॉर्म्यूला अच्छे से आता हो ना तो मैं किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोग क्या करते हो मालूम है, स्टेप प्रिपेयर नहीं करते हो, प्रैक्टिस उतना सारा कर देते हो, ये बुक में से करते हो, वो बुक में से करते हो, वो बुक में से करते हो। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप करो, बट अगर मुझे इसका फर्मो पता है कि मुझे ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ मुझे कुछ भी दे देंगे, बराबर मुझे कैलकुलेशन आएगा कि नहीं आएगा,
बट जब तक मुझे प्रॉपर मेथड ही पता नहीं होगा तो हमें करना क्या है, मेथड प्रॉपर प्रिपेयर करना है। फिर ऐसा कोई भी एग्जांपल आ जाए हमें वो नहीं सोचना है कि बुक का एग्जांपल क्यों नहीं आया, अब नहीं भी आ सकता है। जैसा कि ये मैंने एग्जांपल दिया, अब मुझे तो इसका कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे मैंने आगे किया हुआ है, तो मेरा आंसर क्यों नहीं आएगा। तो बोलो ये सभी को आ जाएगा बेटा? आंसर मेरा क्या आना चाहिए? सुगर जैसा फॉर्मूला आना चाहिए। yes, sir. या तो सुगर या तो सुक्रोज जैसा, सुक्रोज। क्योंकि मुझे यही से पता है कि ये तो मेरा मोलेक्युलर मास सुक्रोज का है ही। yes, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा आंसर सुक्रोज ही आना चाहिए। बोलो आ जाएगा सबका बेटा? yes, तो आपने देखा हमने तीन चीजों को कंबाइन किया। फर्स्ट नंबर में मैंने मोलेक्युलर मास के बारे में पढ़ा है, अरे एटॉमिक मास। जब मुझे एटॉमिक मास का पता चल गया तो उसको यूज करके मैंने क्या कैलकुलेशन किया, मोलेक्युलर मास। यस सर। मोलेक्युलर मास का यूज करके मैंने क्या कैलकुलेशन किया, मास परसेंटेज और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलेक्युलर फॉर्मूला। तो सभी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, वो पता चला आपको? yes, तो ये स्टाइल के एग्जांपल आपको 100% आ जाएंगे ना बेटा? yes, sir. Yes, sir. आ जाएंगे सर। yes, sir. ओके बेटा, और सभी लोगों ने पेपर लिख दिया है ना? yes, sir. सर, लिख लिया। yes, sir. हमें क्या करना है बेटा, जो टाइम हमें अलॉट किया है ना उसी टाइम पे हमें लिख देना है। और जब लिखने बैठो ना तो साथ में वो भी देखना है कि हमें एक घंटे में या तो 1 hour 10 minutes या तो 1 hour 15 minutes में खत्म करना है। फिर ऐसा ना हो कि चलो उसमें कुछ रह गया फिर आप एक घंटे के बाद में सोचो चलो मैं बाद में लिख दूंगा, ऐसा नहीं करना। हमें पर्टिकुलर जो टाइम दिया है, जो टाइम स्लॉट दिया है, उसी टाइम में जो वर्क करना है वो उसी टाइम पे कर लेना। क्लियर ना बेटा? ओके, तो आज अभी भी आपके पास 5-7 minutes है। वैसे तो हमारा 12:15 को खत्म होता है, बट नया टॉपिक आएगा तो नया टॉपिक हम नहीं पढ़ते हैं। बट ये जो मैंने आपको दिया है ना वो एग्जांपल आपको अभी सॉल्व कर देना है। ओके सर। कर दोगे ना बेटा? कि मैं करवाओ? नहीं सर, कर देंगे। और कल मैंने जो दिए थे उसके आंसर कितने कितने आए थे, सभी ने कर दिए थे? वो 3 मैंने दिए थे। निकालो तो हम टैली कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कौन सा दिया था मैंने होमवर्क में? कल होमवर्क नहीं दिया था आपने, कल तो वो मास परसेंटेज वाला दिया था ना क्लोरोइथेन। हाँ सर, वो पुराना वाला। हाँ, C2H5Cl। चलो उसमें बोलो कार्बन के कितने आते हैं? 37.2%। बोलो सभी का आया बेटा? यस सर। हाइड्रोजन का 7.8%। और इसका क्लोरीन का 54.98%। मतलब टोटल मेरा 100 हो जाना चाहिए। दूसरा मैंने ऐसा दिया होगा CH3COOH वाला। यस सर। नहीं सर, Na2SO4 दिया था। Na2SO4। Na का कितना था? 32.39। क्या बात कर रहे हो, सभी लोगों ने किया ऐसा। सल्फर का 22.53। और ऑक्सीजन का 45.07। बस ये जो आप लोग कर रहे हो ना उसी से आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। जैसे कि टीचर ने वर्क दे दिया, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि चल मुझे आ गया है मुझे नहीं करना है। बेटा जिंदगी में है ना कॉन्फिडेंस रखो ना, वो बहुत अच्छी चीज है। और अगर आगे ओवर अटैच हो गए ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो 100% वो आपको डुबा देगा। जैसे कि मुझे आता है वो कॉन्फिडेंस, बट मुझे ही आता है वो क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो हमें कॉन्फिडेंस से काम करना है। अगर आता है फिर भी हमें कर लेना है तो क्या है, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इसमें yes, कितना आता है बेटा कार्बन का? सी का 40। हाइड्रोजन का 6.71।
एंड ऑक्सीजन का 53.28 मतलब सभी लोगों ने किया है ऐसा ना. ओके वेरी नाइस बेटा. चलो ये एग्जांपल 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ना लिया हो तो. ले लिया. ये मेरा आंसर है. हाँ तो सबका आंसर आ जाएगा ना बेटा. यस सर. यस सर. तो मिलते हैं बेटा. बाय बाय. गुड डे. टेक केयर. अला बाय बाय तो बोलो ना. बाय सर. बाय सर. बोलो बेटा. हाँ बोलो बेटा. सर एक पेपर में डाउट है. हाँ बोलो ना बेटा. क्या क्वेश्चन में वो जो 16th क्वेश्चन था ना उसमें. सर वो 16th वाला नहीं आया. सर आप म्यूट हो. म्यूट हो गए. हाँ बोलो. हाँ तो वो आप अभी कराओगे. हाँ बोलो ना. क्वेश्चन बोलो ना. अभी हो सकता है तो अभी करवा देता हूँ. हाँ दो मिनट. हाँ कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. और उसमें वो टेबल दिया है. हाँ वो तो मुझे एवरेज निकालना था ना बेटा. हाँ वो हमने. हाँ तो यहाँ पे मुझे जो दिया है, यहाँ पे जो दिया है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस यहाँ पे जो दिया है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड 100. सर आंसर 35.45 आ रहा है. हाँ वही 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 35.5 आ जाएगा. यस सर. बट दो डिजिट तक लिखा है. हाँ तो यही हुआ ना बेटा हमारा एवरेज एटॉमिक मास. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को टोटल करके 100 से डिवाइड कर दो. ओके सर. वो पता नहीं सर क्वेश्चन में तो नहीं. हाँ बस ऐसा नहीं पता चला. हमारे दो मार्क्स गए ना. दो मार्क्स गए पर हमने आपने करवाया था. हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा. जिसको नहीं आया उसने देख के नहीं लिखा ना, तो अगली टाइम हमें आ जाना चाहिए. हमें एग्जाम आज थोड़ा देना है. हमें एग्जाम के लिए तो टाइम मिलता है. अब जो जो चीजें में हमें दिक्कत होती है उसको पढ़ाई करके सेकंड टेस्ट में क्लियर कर देना है. ओके बराबर. पर देख के तो नहीं लिखना है बेटा. आपके हाफ मार्क्स आएंगे तो भी चलेगा, जीरो आएगा तो भी चलेगा, बट रेगुलर टेस्ट देना है और बिना देख के ही लिखना. क्लियर बेटा? यस सर. ओके तो मिलते हैं बेटा. बाय बाय. गुड डे. बाय बाय सर. बाय बेटा. बाय.